हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ही बारे में। लेकिन एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें भी हम कुछ परेशान से हो जाते हैं, इस तरह का भी सवाल अक्सर देखने को मिला है नीट और जेई में। तो सवाल कुछ ये है कि हमको पता है अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, ये आपके पास एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है और यहां से एक स्टोन को मैंने किसी स्प्रिंग के साथ टाइट कर दिया, बांध दिया और मैंने यहां से कितनी वेलोसिटी, जरा जल्दी बताया आप यहां पे। मान लेते हैं कि ये आपके पास पॉइंट ओ है, राइट। यहां से मैंने ओ पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी दी बच्चों इसको रूट अंडर 3gm। ओके, तो आप ये बताएं मुझे, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं कि यहां पे मिनिमम कितनी चाहिए थी, रूट अंडर 5gl, तभी ये बॉडी कहां पे पहुंचेगी, टॉप पॉइंट पे पहुंचती। लेकिन मैंने यहां पे बोला कि अगर आपसे बोला जाए कि यहां पे रूट अंडर 3gl है तो आपको रूट अंडर जब 3gl देंगे तो यहां पे आपके पास कितने का डिफरेंस आएगा, दो का। यहां पे कितना हो जाएगा, रूट जीएल। होना कितना था यहां पे, रूट जीएल यहां पे होना था, लेकिन पहले ही ऑलरेडी रूट जीएल यहां पे हो चुका है। तो क्या ये बॉडी क्या यहां पे इस टॉप पे पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते जाते कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। स्लैक होने का मतलब है कि जाकर के टेंशन जीरो हो जाएगा, जीरो होने का मतलब है कि ये लूज होगा और लूज होकर के बाद ये नीचे गिर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहां तक तो हमें समझ में आती है बात, यहां पे तो वेलोसिटी है। अगर ये रूट 3gl है बच्चों तो ये कितना होगा तुम्हारे पास रूट जीएल, राइट। लेकिन अब जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है तुम्हारे पास, कम होती जा रही है। और इस पॉइंट पे ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये आपके पास स्लैक हो जाएगा, मतलब कि लूज हो जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है ये समझेंगे आप कि स्लैक होने से पहले ये आपके पास वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल की वैल्यू क्या है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा निकालना है। कब, स्लैक होने से जस्ट बिफोर, मतलब कि स्लैक हो रहा है उससे पहले कितना ये एंगल वर्टिकल के साथ बनाया है, वो एंगल हमें हमारा टास्क है ये निकालना, राइट। क्लियर है? तो अब आप मेरी बात को गौर करेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है कि मिनिमम इस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट अंडर 5gl है तभी ये बॉडी आपके टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पे वेलोसिटी मैंने कितनी प्रोवाइड की, रूट अंडर 3gl। अब बताओ दो का जब डिफरेंस है तो यहां पे कितना हो गया, रूट जीएल। तो क्या यहां तक पहुंचने तक क्या इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, नहीं। इससे पहले ये वेलोसिटी कहीं पे जीरो हो जाएगी और जब जीरो हो जाएगी आगे ले जाने वाला कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जाकर के क्या होगा, स्लैक करेगा। स्लैक करने का मतलब क्या हो रहा है, टेंशन लूज हो रहा है। तो कह रहा है कि स्लैक होने से पहले वो कितना एंगल उसने बनाया वही एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी एल, तो आपसे मैं बात कर रहा हूं कि ये बताइए जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया होगा पी पॉइंट पे, क्लियर। तो ये बताओ अगर ये एल है तो बच्चों ये भी एल होगा और ये कितना होगा आप बताएं मुझे, एल कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक की अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों एच इजिकल टू कितना होगा, एल प्लस एल कॉस थीटा। तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन प्लस कॉस थीटा, राइट है, क्लियर है मेरी बात। सबसे पहली चीज तो हमें यह देखनी है कि हमें सवाल में पूछ क्या रहा है। इस सवाल में ये पूछ रहा है स्लैक होने से पहले ये आपके पास एंगल कितना बना चुका होगा वो पूछ रहा है। और याद रखिएगा इस तरह के सवाल आते हैं, आप पूछते हैं, हमको लगता है कि ये सवाल बहुत ही हार्ड है, बहुत परेशान करने वाला है। अब खुद देखें कि इस तरह का सवाल क्या हार्ड है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की एक चीज होती है। अब आप खुद बताएं कि जिस पॉइंट से आपने बॉडी को वेलोसिटी दी, यहां से प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, रूट अंडर 3gl से। तो यहां पे जिस एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आप इसी को ले रहे हैं यहां पे, तो यहां पे कोई हाइट नहीं होगी,
और जब आपके पास इस पॉइंट से, जब ये इस पॉइंट पे आई होगी, माना है कि पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये रस्सी लूज कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, ये स्लैक होगा, वहां पर भी आपके पास मान लेते हैं कि वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी वी। तो यहां पे कुछ वेलोसिटी भी है और इसके पास हाइट भी है, इसका मतलब है कि इसके पास काइनेटिक, साथ साथ इसके पास क्या है, पोटेंशियल। तो हम यहां से आपसे बात करते हैं फ्रॉम सीओई, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब आप बताएं यहां पे इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं ना हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, 3gl। और इस पॉइंट की बात करो तो कितना लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, और एच क्योंकि एच है और एच की जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos θ। ठीक है, तो अब आप बताएं मुझे यहां पे, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे 3gl by 2 is equal to v square plus 2gl 1 plus cos theta by 2 cancel out, okay? तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3gl minus 2gl 1 plus cos theta is equal to कितना, v square, okay? ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आनी चाहिए, कुछ बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, उसको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू, ओके। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ना 3gl माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, gl माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो बेटा वी जी एल इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यस एवरीवन, क्लियर है मेरी बात, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बात। अब मेरी बात को आप समझिएगा, जब ये बॉडी O से P पॉइंट पे पहुंची है, राइट, तो पहला काम है कि इसके ऊपर आप खुद देखेंगे कि एक आपके पास फोर्स mg कहां लग रहा है, डाउन, ये एंगल भी आपको क्या लिखेंगे, थीटा, और ये बताओ यहां पे क्या लिख रहे हैं आप, यहां पे एम जी कॉस थीटा, और टेंशन भी डाउनवर्ड, राइट, इतनी बातें समझ में आई बात, मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। अब जरा गौर करेंगे इस चीज को, जो बात मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे, ये टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है वो कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये दोनों फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, जिसका बिहेव किसके तरह होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो क्या लिख सकते हैं, पी प्लस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई एल, राइट। अब एक बात पे आप गौर करेंगे कि ओ से पी पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये पॉइंट तो ऐसा है कि जहां पे ये क्या कर रहा है, स्लैक कर रहा है, स्लैक करने का मतलब क्या हो गया, टेंशन लूज, और टेंशन लूज होने का मतलब सबसे ज्यादा चांसेस यहीं पे हो रहे हैं, तो टेंशन लूज होने का मतलब है कि टेंशन आपके पास क्या लेंगे हम यहां, जीरो। तो आप खुद बताएं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना, एम वी स्क्वायर बाई एल कैंसिल, तो बच्चों वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, gl cos थीटा, क्लियर है मेरी बात। और अब आप बताएंगे मुझे यहां पे, ऑलरेडी मैंने वी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी निकाल रखी है, यहां से वी स्क्वायर की जगह पे कितना लिख सकते हैं आप, जीएल माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों gl cos थीटा, तो फाइनली दिस gl इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, 3gl cos थीटा, ओके है। तो आप बच्चे ये कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्रॉस इनवर्स 1/3, आई ओके, यही तो हमें फाइंड आउट करना, समझ में आई बात। अगर आपसे कहता कि इसी पॉइंट पे वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या देखा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा जीएल कॉस थीटा। अब मेरी बात को गौर कीजिएगा,
अगर आपसे मान लेते हैं कि एल की वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, मान लेते हैं एक बात कर रहे हैं 10 है और कॉस थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है 1/3 और जी की वैल्यू आपके पास पता होती है आपको, तो क्या यहां से हम इस पॉइंट पे वी भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ओके है, आ रही बात समझ में आपको? अगर मैंने इसी पे मैंने अगर आपसे एक सवाल कर दिया, जरा गौर कीजिएगा, यहां से मैंने इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को प्रोवाइड की रूट अंडर 7/2 ऑफ द जीएल, आर यू ओके? तो पूछ रहा है यहां पे भी, क्वेश्चन सेम है सिर्फ मैंने डेटा को चेंज किया है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि यहां पे एंगल आप बताओ, राइट, और यहां पे आपके पास क्या स्पीड होगी वो भी बताओ, राइट। मैंने मान लिया है कि ये एल की वैल्यू ये कितनी है आपके पास 5 मीटर, ओके है, क्लियर है? तो आप कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएंगे कि इसकी वैल्यू जो मैंने अभी आपको एज ए टास्क में आपको दे रहा हूं उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, इससे मुझे ये पता चले कि जो मैंने अभी आपको बताया है, जो अभी आपको मैंने सिखाया है, उसे कितना फायदा हुआ है, उसको कितना आपने सीखा है, राइट एवरीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को बड़े गौर से देखिएगा एक बार तरीके से और करें और इस सवाल को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताएं। ओके एवरीवन, थैंक यू।